राजमाता माधवी राजे सिंधिया का पार्थिव देह अब जो है वो रानी महल में पहुंच चुके हैं। अब तस्वीरें सीधे देख सकते हैं, अंतिम दर्शन के लिए लोग बड़ी संख्या में यहां पहुंचे और अब से कुछ देर बाद उनके अंतिम दर्शन का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। तमाम मध्य प्रदेश के मंत्री और अधिकारी नेतागण यहां पहुंचे हुए बात करने के लिए। मंत्री विजय शाह जी मौजूद है। सर, एक कितनी बड़ी क्षति सिंधिया परिवार के लिए आप मानते हैं? देखिये, राजमाता साहब से लेके आज तक का इतिहास हम देखें तो आज जहां भाजपा खड़ी है, इसकी जनजाति के रूप में हम बड़ी राजमाता साहब को देखते थे और उसके बाद वर्तमान राजमाता साहब ने भी परिवार में राजनीति में नहीं आते हुए और समाज सेवा के अनेक मंचों पर लगभग 24 स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जहां वर्तमान राजमाता साहब काम करती थी। सिंधिया जी ज्योतिरादित्य महाराज साहब ने भी वही किया जो हमारे राजमाता साहब के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए पद को ठोकर मार के और जनता की सेवा करने का जो परंपरा शुरुआत करी थी बड़ी राजमाता साहब ने, आज उस परिवार में वर्तमान राजमाता साहब का निधन एक बहुत बड़ी क्षति के रूप में है। ज्योतिरादित्य महाराज की माँ केवल उन्हीं की माँ नहीं थी, सम्मानी राणा परिवार के नेपाल से आकर के और अपना सर्वस्व यहाँ जनता के साथ लगी हुई थी। आज महाराज साहब की माँ के रूप में और हमारे प्रेरणा स्रोत के रूप में उनकी क्षति ग्वालियर के लिए क्षति है, पार्टी के लिए क्षति है। इस दुख की बेला में हम लोग सब साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है अपने श्री चरणों में स्थान दे और महाराज साहब के परिवार को इस दुख सहन करने की क्षमता प्रदान। किस तरीके से याद करते हैं सिंधिया परिवार की राजमाता जी को आप लोग? राजमाता से लोकमाता तक का जो सम्मान श्रीमंत विजय राजा सिंधिया माता जी को मिला, उसी सम्मान की परंपरा को वर्तमान राजमाता माधवी राजे सिंधिया ने उसको अपनाया। माता जी केवल ग्वालियर की या सिंधिया जी की माता जी नहीं थी, वो लोकमाता थी और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उनने जो सामाजिक संस्था के रूप में सेवा का कार्य किया वो अग्रणी है। पूरा देश, मध्य प्रदेश, संपूर्ण मालवा, बुंदेलखंड और ग्वालियंचल उनका आभारी है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उनको बहुत बहुत श्रद्धा सुमन। भाई साहब, पूरे मध्य प्रदेश के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग के लिए तो सिंधिया परिवार परिवार की तरह रहा है, कितनी क्षति आप मान? बिल्कुल ठीक कहा आपने, सिंधिया परिवार ने हमेशा पूरे क्षेत्र को अपना परिवार माना और उसका लालन पालन भी उसी प्रकार से किया जिस प्रकार से परिवार के सदस्यों का किया जाता है एक मुखिया के नाते। और निश्चित तौर पर उस परिवार की माँ जब जाती है तो माँ का जाना यानी ऐसा कि आसमान उठ जाना सिर के ऊपर से, इस प्रकार की पीड़ा पूरा ग्वालियर महसूस कर रहा है, न केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी महसूस कर रहे हैं लेकिन एक परिवार के नाते, परिवार के मुखिया होने के नाते हम पूरे ग्वालियरवासी, ग्वालियर चंबल के निवासी सबको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी क्षति हुई है। इस परंपरा को आगे ले जाने का जिम्मा अब कौन उठाएगा, एक चिंता है। मैं उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो आप देख सकते हैं तमाम जो बड़ी संख्या में जो बीजेपी के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा आम लोग जो है वो बड़ी संख्या में उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि उनका अंतिम दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर अब पहुंचे और अब से कुछ देर बाद दर्शन शुरू होंगे और उसके बाद लगभग 3:30 से 4 बजे के आसपास उनकी पार्थिव देह को लेकर जाया जाएगा और वहाँ पर छतरी पर उनकी अंतिम बिल्कुल देखिए तमाम जो लोग हैं और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि तमाम लोग हैं। सर, एक बड़ी क्षति सिंधिया परिवार को कह सकते हैं क्योंकि एक राजमाता जी अब हमारे बीच में नहीं है। निश्चित रूप से पूरे सिंधिया परिवार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। राजमाता साहब पिछले स्वर्गीय पुराने जो राजमाता साहब थे उनके बाद उन्होंने पूरे संस्कार को और संस्कृति को, सिंधिया परिवार के संस्कार और संस्कृति को संभाल के अभी तक रखा था और क्षेत्र के लोग भी जो थे वो राजमाता साहब को के आशीर्वाद के लिए हमेशा तरसते थे। पिछले 3 माह से राजमाता साहब की तबीयत ठीक नहीं थी और उस कारण से निश्चित रूप से पूरा परिवार संकट में था, लेकिन उसके बाद भी महाराज साहब ने अपना चुनाव लड़ा और एक बेटा ही इस बात को समझ सकता है कि जब माँ की तबीयत खराब हो
और आप चुनाव लड़ रहे हो, किस स्थिति में उन्होंने चुनाव लड़ा है ये हम सब समझ सकते हैं, और क्योंकि राजमहल साहब का आशीर्वाद उनके साथ था तो निश्चित रूप से उनको विजय मिलेगी। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग यहाँ पहुंचे हैं सभी अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करने कर रहे हैं। और देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग के लिए नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के लिए भी एक ऐसी अपूर्णीय क्षति माना जा सकता है। कैमरा मनीष सेंगर के साथ सैनल सिंह, न्यूज 18 ग्वालियर।